कर्नाटक इलेक्शन में एक भी चैनल, एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है जिसने हंग असेंबली की संभावना ना जताई। जो सेफ बैटिंग करते हो वो कोई और है, आप तो समंदर में पैर रखते हैं, धुरंधर हैं आप, भंवर से निकलते हैं, गुजरते हैं। आइए जरा बताते हैं प्रदीप जी, डेटा देखकर बहुत लोगों ने रिवाइज भी किया था जी। आ जाइए जल्दी जल्दी आंकड़े जरा बता दे रहे हैं प्रदीप गुप्ता जी के साथ मैन ऑफ द मोमेंट, क्योंकि एग्जिट पोल करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, उसे एग्जैक्ट पोल साबित करना उससे भी बड़ा साइंस है, और प्रदीप गुप्ता जी उसमें महारत हासिल कर चुके हैं। और 60 out of 64 ऐसा स्ट्राइक रेट मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी और एजेंसी का है। सबसे पहले इधर मुड़ जाइए, बेंगलुरु के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम, और हम दिखा रहे हैं कैसे 3 सीटों, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को बढ़त थी पिछली बार, 15 सीटें थी वो 3 गिरे हैं। अर्बन वोटर माना जाता है बीजेपी का वोटर है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार बेटर किया था और इस बार बीजेपी यहाँ बेहतर कर रही है, उसका फर्क 5 सीटों का गेन है। यहाँ पर जो सब बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो जादू चला कि नहीं, सबसे ज्यादा जादू यहाँ पर चला दिखता है। आप पर बहुत गुस्सा हुए थे कांग्रेस वाले जब आपने कहा 19% लोगों ने कहा कि हमने मोदी की वजह से बीजेपी को वोट दिया है। अब बताइए, समझाइए, मौका है आप। तो यही सारी चीजें हैं जो हम बताते हैं, जो जनता कहती है हमारा काम है उसको हूबहू रिपोर्ट करना, अपना आकलन करके उसको रिपोर्ट करना, और जो जैसा कहा वैसा रिपोर्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी या नेताओं को असहज होना स्वाभाविक है, वो हम समझते हैं उनकी तकलीफ को, लेकिन हमारा और केवल एक काम है कि जो जनता कह रही है उसको रिपोर्ट खुशी करना। से नाचना चाहेंगे या खुशी से आंसू बहाना चाहेंगे, क्योंकि सबको उस ड्रामेटिक मोमेंट का इंतजार होता है, क्योंकि पर्सनली आपके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है मिस्टर गुप्ता। नहीं देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ कि ये एक्सिस माइंडिया की टीम जो काम करती है ना जमीन के ऊपर, और जो प्रेशर सिचुएशन में काम करती है, उसमें उनको कितने ही बार मार खानी पड़ती है, कितने ही बार धुतकार के भगा दिए जाते हैं, भागो इधर से, हमको बात नहीं करनी है आपसे। तो ये सिचुएशन में काम करके और डटे रहना, बने रहना और ये रिजल्ट लेके आना, ये बहुत। चलिए अगला इलाका दिखाते हैं। अगर आप एग्जिट पोल में आपके घर पे कोई एक्सिस माइंडिया का पहुंचता है तो थोड़ा सा मानवीय व्यवहार अगले बार कीजिएगा। वो बता रहे कैसे बंगाल में इनके 10 लोगों को 10 दिन के लिए, कई लोगों दिन को के लिए जेल में डाल दिया था। यहाँ कर्नाटक में इनके लोगों को पकड़ लिया गया था, मारपीट कई जगहों पर तटीय इलाकों में इनके लोगों के साथ हुई थी, लेकिन ये डटे रहे, डटी रही इनकी टीम। अब हम आपको दिखा रहे हैं करावल तटीय इलाका, यहाँ पर बीजेपी ने खोया है। सोचिए, जिसको आप हमेशा कह रहे थे कि उत्तर भारत में जैसे लोग वोट करते हैं धर्म के आधार पर, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से चलता है हिंदुत्व का कार्ड और काउंटर पोलराइजेशन भी होता है मुस्लिम वोट का, लेकिन यहाँ पर 4 सीटें बीजेपी फिसल गई है। पिछली बार 16 सीटें थी उनकी, 16 सीटें थी यहाँ पर, और एग्जिट पोल में जैसा दिया था हमने बिल्कुल उसी तरह की तस्वीरें आई। 13 सीटें बीजेपी को दी थी, 12 आती नजर आ रही है। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर गेन कर ली है। ये बता रहा है कि आप ये पोलराइजेशन, हिंदू वोट का कंसोलिडेशन, ये सब यहाँ नहीं चला है। सिलेंडर, महंगाई, शायद ऐसे मुद्दे जो बाद में जाकर बीजेपी की आंखें खुली, 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे वादा कर रहे थे, वो सब बाद में किया। चलिए अगला इलाका जल्दी से दिखा देते हैं। 19 सीटें जहां पर 51% वोट पिछली बार बीजेपी को आए थे, तटीय इलाके में भी फिसल गए हैं, और ये है हैदराबाद, कर्नाटक। यहां पर जबरदस्त देखिए, पिछली बार भी इन्होंने बहुत अच्छा किया था, 20 सीटें आई थी। यहीं से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, दलित बहुल इलाका है, SC ST वोट बहुत है, यहाँ पर 4 सीटों का गेन है, 21 से सीधा पहुंच रहे हैं। और बीजेपी को यहाँ 15 सीटें मिली थी, 5 सीटें डाउन है। इसका मतलब यही है कि जो ST SC जैसे आपने कहा, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये जो और कुर्बा, सबसे बड़ी चीज है कुर्बा, ये सब मिलके 50% बनाते हैं, और 35% जो होता है OBC और लिंगायत मिलके बनता है, जो कि बीजेपी का अलाइनमेंट माना जाता है, और 15% लिंगायत, सॉरी 15% वो का लेगा जो कि JDS का होता है। तो हिंदू मुस्लिम या कोई भी तरह की चीजें यहाँ पर काम होने का प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि आप पूरा भी ले लेंगे वोट तो भी 35 ही पाएंगे, जो कि बीजेपी का अभी भी 36 मिल रहा है, पिछले बार भी 36 उतना ही मिल रहा है, उतना ही। कुर्बा वोट इस बार किधर गया है, सिद्धारमैया कुर्बा जाति से आते हैं। कुर्बा वोट जो है हमारी पोल पोस्ट पोल स्टडी में दिखाया, पिछली बार कुर्बा 63% मिला था कांग्रेस को, इस बार 65% के ऊपर कांग्रेस को मिला। चलिए अगला इलाका जल्दी से दिखा देते हैं। 40 सीटों में आपने देखा जबरदस्त गेन हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है। अब महाराष्ट्र कर्नाटक में आते हैं, पिछली बार 30 सीटें यहां पर आई थी बीजेपी की,
और महाराष्ट्र कर्नाटक का पूरा इलाका तो गढ़ था इनका, बेलगावी से लेकर बागलकोट धारवाड़ ये पूरा इलाका, 18 सीटें हैं बेलगावी में जिसमें से 11 सीटें पिछली बार आई थी बीजेपी को और 3-4 उन्होंने बाद में कर लिए थे, ऑपरेशन कमल का गढ़ वहीं पर बना था, लेकिन ये पूरा इलाका बॉम्बे का मतलब 30 out of 50 से आप फिसल के 16 पे रह गए हैं। सबसे बड़ी स्टोरी यहाँ पर है। सबसे बड़ी स्टोरी है ये। सबसे बड़ी स्टोरी 33 कांग्रेस पार्टी 33। बीजेपी की हार हुई है कर्नाटक में तो वो केवल और केवल यहाँ पर हुई है जबरदस्त तरीके से। इसके पहले भी ओल्ड मैसूरू में ऊपर थी कांग्रेस, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कर्नाटक में और ओल्ड मैसूरू में गेन किया एट द कॉस्ट ऑफ जेडीएस। तो यहाँ पर उन्होंने एट द कॉस्ट ऑफ बीजेपी, इसलिए बीजेपी नहीं कह सकती कि जेडीएस का उधर गया है। आपकी सीटें जो गई हैं उसमें से ये देखिए 30 से आप आधे पे रह गए हैं यहाँ पर महाराष्ट्र कर्नाटक में और 33 में। यहाँ पर किस तबके ने साथ छोड़ा, लिंगायत बहुल इलाका है बासवराज बोम्मई, यहीं से चुनावी मैदान में शिगांव से उतरते हैं, किस समुदाय ने यहाँ पर बीजेपी का साथ छोड़ा मिस्टर प्रदीप गुप्ता? नहीं देखिए यहाँ पर जो हमारी पोल स्टडी बता रही है, फिर मैं एक बार कहूंगा कि मराठा वोट थोड़ा सा कम हुआ है, फिर भी जो बड़ा शहर है बीजेपी को मिला है, लिंगायत का पूरा वोट मिला है, लेकिन जो काउंटर कंसोलिडेशन होता है वो पूरा का पूरा रिवर साइड में हुआ और यहाँ पर जो है ओबीसी समुदाय बड़ी संख्या में है जो कि पूरा का पूरा बड़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ गया है। सबसे बड़ी स्टोरी यदि कर्नाटक इलेक्शन की है तो वो महाराष्ट्र बॉम्बे कर्नाटक के अंदर है और ये तो ऐसा इलाका है जहां पर बीजेपी की तूती बोलती थी, कई जगहों पर माना जाता था कि अगर नहीं भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे तब भी हम जीत जाएंगे। यहीं से बासवराज बोम्मई, लिंगायत वोट यहां पर जबरदस्त तरीके से उनके साथ रहता है, लेकिन यहां पर फिसलना, आधे पे पहुंचना, 30 से आप 16 पे लटक गए, वो 33 चले गए, तो आप समझिए कि आपके साथ क्या महाराष्ट्र कर्नाटक। और यहां पर जमीन पर अगर आप जाएंगे तो मराठी वर्सेस कन्नडिगा एक जबरदस्त लड़ाई है। क्या जो सॉवरेनिटी वाला रिमार्क ट्वीट किया गया था कांग्रेस पार्टी के हैंडल से वो यहाँ पर कब, क्योंकि कन्नडिगा सम्मान के लिए यहाँ पर लोगों में बहुत जबरदस्त रहता है। एक व्यक्ति मुझे मराठी मिला जिन्होंने कहा हमारे पूरे गांव को, मराठी गांव को कहते हैं कि कन्नड़ में बात करो। मुझे कन्नडिगा मिले जिन्होंने कहा कि मराठी हम पर हावी होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी समितियां यहाँ पर तय करेंगी कि क्या नीति होगी, क्या रास्ता होगा। तो वो जो ग्राउंड पर एक कॉन्फ्लिक्ट था, क्या वो सोनिया गांधी के बारे में जो कांग्रेस पार्टी के हैंडल से ट्वीट किया गया सॉवरेनिटी रिमार्क वो यहाँ पर क्लिक कर गया उनके लिए? क्योंकि ये तो क्लियर मैंडेट है, ये तो जबरदस्त रिवर्स स्वीप है जिसमें आप 33 सीट्स उनको जाते हुए देख रहे हैं।